मेरा नाम पवन कुमार है और मैं हरियाणा सिरसा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। आज मैं तुम्हें दसदा कि मेरा प्रभु ने किदा मेरी लाइफ नू चेंज किया। मैं 2013 दे विच विश्वास किया, लेकिन उस तो पहले मैं दसना चाहना रे कि हालातों दे विचों निकला। मैं गरीब परिवार दे विचों हैगा, साडे घर दे विच एक्सीडेंट होया मेरे पापा जी का। और एक्सीडेंट होने तो बावजूद जो तुम पापा जी ने होस्पिटल लेके गए तो उन्होंने जवाब देता कि इन्होंने दिमाग है डैमेज हो चुका है। उस टाइम से साढ़े को क्वेश्चन से कि असं किदा की करिए, क्योंकि असी हिंदू धर्म के हो गया तो मूर्ति पूजा ध्यान ज़्यादा देंगे सी। और साढ़े घर गद्दी लगी हुई सी और बहुत सारे लोगों ने सानू कहा भी होस्पिटल से लेके गए, जो डॉक्टर ने कहा भी जवाब दे दो। डॉक्टर ने जवाब दिता भी कहते इन ले जाओ घर, कहते इनका दिमाग जरा खराब हो चुका है तो तुम्हें पागलखाने भी छड़ना पेगा। असी सब दुखी सी क्योंकि सारा पैसा से जिन्ना है सारा ला दिता, और साढ़े रिश्तेदारों को भी असं पैसा लिता क्यों असं कर्जाऊ हो चुके। कम से कम असी एक महीने के 4 लाख रुपया लाया से, साढ़े को कुछ भी नहीं रहा। हालांकि मेरी स्टडी चल रही थी प्लस वन के मैं छड़नी पी, उसकी वजह कारण मैं दिहाड़ी मजदूरी करनी पी। मतलब बहुत हालात से उन्होंने हालातों में जो मैं याद करता बहुत रोना। और उस टाइम के एक प्रभु के दास साढ़े पड़ोस के आते सुसमाचारों लेके आए साढ़े घर। उन्हें दस्या प्रभु के बारे सानू कि तुम कि प्रभु बाहर कर सकता है जो जो हालात से। पर असी पातशाह ने कहा भी पातशाह तो साढ़े मंदिर पूजा साढ़े घर गद्दी लगी असं कि कर सकते हैं। उन्होंने कहा कहते प्रभु कहता परमेश्वर सब के लिए आया, कहते कल तो ईसाई लोगों लिए नहीं है सब के लिए, कहते पूरे लोगों लिए आया, कहते और अपने लहू के नाल सानू कहते बचाया उन्हें। असं उस जगह पर पापा जी ने लेके गए मीटिंग के लेके गए। उस तो बाद असी कुछ टाइम तक देखा कि 2-3 हफ्ते जो गए बीता जो जिदा जिदा मतलब हफ्ते गए उदा का पापा जी ने फर्क पैना स्टार्ट पाया। और धीरे धीरे जिदा जिदा फर्क पाया सानू विश्वास हो थोड़ा थोड़ा और असी तौबा की सारे जनों ने। लेकिन उस टाइम च मेरी लाइफ जी है एक पाप के भी सी। मैं उन लड़कियों के रहा जो नशा करने वाले सी कि असं रात को 12-12 बजे स्कूल के भी जाके दीवारों पर बैठ के करो चोरिया नशे लेके जाते, पैसा लेके जाना करो स्कूल ली, पर असी नशे लेके जाते तो नशे करते बे बे के। पर उस जो प्रभु ने विश्वास करया और 1 साल तक कंटिन्यू लगातार मैं उन्होंने चीज़ों के ही चलता रहा, नशे के भी चलता रहा। और वो दोस्त से मेरे सारे टोटल नशा करने वाले से, वो करे मैं झूठ बोलना झूठ बोल बोल के पैसे लेके जाने। धीरे 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 करता करता मैं प्रभु जिदा मैं चर्च कंटिन्यू अपना चर्च शुरू किया, हर रविवार को शुरू किया अपना चर्च है। जिदा जिदा चर्च शुरू किया मैं प्रभु के वचन में मैं सीखा। उस सीखने तो बाद मैं इतने एक लालसा जागी कि मैं प्रभु का काम करना। पर प्रभु ने एक मैं उस जगह तक जो मैं प्रभु जी 1 साल होया मैं प्रभु ने एक जॉब दी जो कि 17,000 रुपये सैलरी होने मौके की, और जो जीती उस तो बाद 2.5 महीने बाद प्रभु ने एक नया बाइक दिता। हालांकि साढ़े घर कुछ भी नहीं है सी, जिन्ना पैसा कि सारा ला चुके थे, पर प्रभु ने सानू एक जॉब दी मैनू। उनके बाद 2.5 महीने बाद एक नवा बाइक दिता, मैं हैरान सी प्रभु कर सकता है। और थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे मैं चर्च वध्या, तो पारसी ने मैंने एक अहुदा दिता चर्च के विच जिदा वर्शिप टीम हैगी, वर्शिप टीम से मैंने खड़ा किया। उन्होंने इन्होंने एक लीडर बनाया कि हर संडे उन्होंने कड़ी ड्रेस पानी है, किन्ने उन्होंने माइक ला के देने हैं, किन्ने उन्होंने की चीज़ की जरूरत है, हर एक चीज़ का मैं अरेजमेंट ली। और मैं प्रभु का शुक्र करता उस चीज़ का कि प्रभु ने मैं लायक समझा, क्योंकि मैं एक पाप की जिंदगी चो बाहर निकलिया। और अज हूँ एक मैं जो इस जगह पर आया मैं 5 महीने की मेरी छुट्टी लेके आया इस जगह से, और मैं एक उन्होंने कहा अगर मैं मेरी सेवकाई दे करन दे ली, अगर मैं प्रभु की जो जी जॉब हैगी मैं नौकरी कर रहा अगर मैं छड़नी पे तो यह भी मैं छड़ सकता। और अज पाशी जी नाल मिलकर मैं सेवकाई कर रहा, और प्रभु का शुक्र है कि प्रभु ने मौका दिता मैं इस जगह पर आने ली। और पाशी जी का भी धन्यवाद करता कि उन्होंने मौका दिता मैं। धन्यवाद जयम सिंह जी।